कि शासन और प्रशासन की नींवें हिल गई। आगे चलकर देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश की समस्याएं गई नहीं। आज हम लोग ऐसे दो महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं, एक महात्मा गांधी 151वें वर्ष, आज से ठीक 151 वर्ष पूर्व भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात के काठियावाड़ जिले में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं प्रारंभ हुई। अंग्रेजों ने इनके पिता को बाद में वहां का दीवान घोषित कर दिया, जिससे इनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने का अवसर मिला। यदि हम इनके प्रारंभिक जीवन को देखें, इनकी बायोग्राफी को पढ़ें, तो उस समय के दो महत्वपूर्ण नाटक ने इनके जीवन के उद्देश्य को ही बदल दिया। पहला था श्रवण कुमार की मातृभक्ति पितृभक्ति, और दूसरा राजा हरिश्चंद्र के सत्य को इन्होंने जब जाना तो इन्होंने प्रण किया कि आजीवन मैं सत्य का पालन करूं। और कहा गया कि अधिकतम इन्होंने पालन भी किया, क्योंकि पुस्तक में शायद एक दो झूठ का भी इन्होंने स्वयं लिखा है, जब इन्होंने अपने पिता से झूठ शायद एक बार बोला था कि दो बार बोला था। जब हम उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आज विश्व में कहीं भी कोई समस्या आती है, शांति की बात आती है, तो गांधीवाद का नारा आता है, अहिंसा परमो धर्म। ये जहां रहे वहां जैन समुदाय की अधिकता थी। इनकी मां शुद्ध शाकाहारी भोजन सात्विक विचार वाली महिला थी, जिसका प्रभाव इनके जीवन पर कूट कूट पर पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बाद जब ये वापस भारत आए, वकालत की इन्होंने शुरू किया, लेकिन आप सब जानते ही हैं कि वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें 100 नहीं 200% झूठ बोलना पड़ता, इसलिए इनकी वकालत चली नहीं। थक हार कर इन्होंने अध्यापक बनने का निर्णय लिया, वहां भी सफल नहीं हुए। तभी साउथ अफ्रीका से इनको एक ऑफर आया, वहां एक केस लड़ने का। अब्दुल्ला नामक कोई व्यापारी था, इन्होंने इन्हें बुलाया। व्यक्ति का जीवन कब बदलता है, किन परिस्थितियों में बदलता है, या हम जब साउथ अफ्रीका गए वहां की स्थिति को देखा कि भारतीयों के साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने निश्चय किया कि इस समस्या को लड़ना होगा। और काफी वर्षों तक रहे, उसके बाद बहुत सी संधियां अंग्रेजों के साथ, वहां का भी शासन अंग्रेजों का ही था, अंग्रेजों से हुआ। वहां के स्थानीय निवासियों को और जो यहां से जो कार्य करने गए थे लोग, उन लोगों को भी बहुत सी सहूलियत मिली। भारत आने पर इनका
सामना उस समय के राजनीति में जो लोग थे बालकृष्ण गोखले से हुआ।